पंजाब के लुधियाने विच एक महिला ने 9 साल की बच्ची ते उबलदे पानी का पतीला पलटा दिता। जी हाँ, गर्म पानी नाल बच्चे की पिठ छाती है जिहड़ा पूरी तरह नाल चल गई। संतोख नगर न्यू शिवपुरी दे विच किराए ते रहण वाली बच्ची की माँ ने दसिया कि उसकी बेटी बर्तन धो रही थी। पहला तो किसी व्यक्ति ने पानी की मोटर चलाई हुई थी, मोटर चलती वे के गुआंढी महिला उसनु गुस्सा होने लगी। महिला का पति और भरा भी मौके पर पहुंच गया। आरोपी महिला ने पहला बच्ची के सिर पर डंडा मारिया, फिर गुस्से के विच आके बच्ची के उबलते हुए पानी का पतीला ही उसके सिर दिता। बच्ची के कोल ही उसका पिता 3 साल की जिहड़ी उहदी भैन खड़ी सी उसते भी गर्म पानी पै गया। झुलसी बच्ची की पिता जिहड़े परवेज आलम ने दस्या कि उन्हां दी बेटी फातिमा 10 दसंबर नूं घर विच बर्तन साफ कर रही सी। आरोपी ने आ जिहड़ा उसकी बेटी तो पुछण लगी कि बिजली वाली मोटर किसने चलाई है। बेटी ने जब मना किया तो आरोपी शमा ने उसके सिर पर डंडा मारिया, फिर उसते उबलते पानी का पतीला सुट दिता। लोगों की मदद नाल उसनूं सिविल हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। हालत गंभीर देख के डॉक्टरों ने उसको 32 सेक्टर चंडीगढ़ रैफर कर दिया। पुलिस ने वे दिन बाद FIR जी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी शमा परवीन निवासी संतोख नगर न्यू शिवपुरी के खिलाफ धारा IPC 326A तहत मामला दर्ज किया। बच्ची की माँ आविदा खातून ने कहा कि आरोपी शमा फरार है। घटना तो बाद वो 3 दिन लगातार चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने भी यह जी सुनवाई नहीं की। कई बार तो उसने थाने तो बाहर ही धक्के मार के कढ़िया गया। काफ़ी मुशक्कत तो बाद हुण पुलिस ने मामला दर्ज किया। अधिकारी सुखदेव सिंह मुताबक आरोपी महिला नूं जल्द फड़ लिया जाएगा। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखते रहो लुधियाना लाइव।